वहां पे भी CAGR जो उनके दिख रहे थे दैट वाज 18.52% सो व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट मतलब उन्होंने बोला यार परिमा और एवरेज होल्डिंग मतलब ऐसा नहीं कि उन्होंने सारा का सारा पैसा 2015 में डाला था सो स्लोली 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 पैसे इन्वेस्ट करते गए हैं और 18.52% का वो CAGR है और टू टाइम्स से ज्यादा मतलब uh, 100% से ज्यादा एब्सोल्यूट रिटर्न्स वहां पे उन्होंने एंजॉय किए सो दैट इज द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग एंड जब हम बात कर रहे थे इन सो जब हम बात कर रहे थे तो उन्होंने यही पूछा कि कितना हो सकता है ये नेक्स्ट पांच साल में छह साल में ये पैसा कितना हो सकता है तो हमने डिस्कशन किया कि रैशनल अगर एक्सपेक्टेशन भी हम रखते हैं अराउंड ट्वेल्व परसेंट सी एजीआर की एंड द रीजन बिहाइंड जीडीपी ग्रोथ रिटेल इन्फ्लेशन दोनों एड करते हैं तो हमें हमारे पास नॉमिनल जी डी पी का ग्रोथ आता है और उसी नंबर को कैलकुलेशन कि किया तो पांच छह साल में ये पैसा भी डबल हो सकता है So, ये थॉट प्रोसेस है आई थिंक दिस इज मोर इम्पॉर्टेंट कि ये थॉट प्रोसेस आपको इम्बाइव करवानी है और आपके इन्वेस्टमेंट को आपके फाइनेंशियल गोल से आपको लिंक करना है और इन्वेस्टेड रहना है एक्साइटमेंट उसमें नहीं रहेगी आई नोट ऑफ इनको कैलकुलेशन करने की बात बच्चों के एजुकेशन की बात अभी हम तो ये कितने यंग है यार हमें तो एक रात में पैसा डबल करना है uh, so I think, या फिर ट्रेडिंग करनी है फटाफट -फड़ उससे मतलब लॉट ऑफ पीपल से टेलमी स्पेसिफिकलीस्टर्स कि हम ट्रेडिंग करेंगे पहले हमारे पास कैपिटल नहीं है तो हम ट्रेडिंग करके पैसा कमाएंगे बहुत ज्यादा एंड देन हम इन्वेस्टिंग करेंगे तो मैं बोलूंगा कि भाई अगर ट्रेडिंग से इतना ज्यादा पैसा कर, कमा सकते हो तो इन्वेस्टिंग क्यों कर रहे हो ट्रेडिंग ही करते रहो ना कि आपको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं वो छोटे छोटे अमाउंट्स पे ही हम ट्रेड कर सकते हैं और बड़े अमाउंट्स पे हम नहीं कर सकते सो देन इज अ फ्लॉ इन दैट पर्टिकुलर लॉजिक इट थिंक इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि सेल्फ नॉलेज होना और मतलब रियलिस्टिक होना रैशनल होना प्रैक्टिकल होना इज वेरी इंपॉर्टेंट वेन यू आर इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट याद रखिएगा दोस्तों